हैप्पी बसंत पंचमी पंचमी मस्त और मस्त एकदम चकास। तो ये देखिए सूरज भगवान जी रखे बादलों के बीच, लुकम छुपी खेल रहे हैं। मौसम देखिए कोहरा क्या लगा हुआ है, जबरदस्त कोहरा लगा है। घर तो दिख ही नहीं रहे हैं थोड़ा सा दूर के। और तो ये है बसंत पंचमी का दिन, और अभी सुबह तो कोहरा लगा था, दिन तक धूप आ गई थी। तो सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, और आपका हर पल मंगलमय हो। तो आज है बसंत पंचमी, और हमारे यहाँ ये होता है कि नहा धो के पूजा करने के बाद हमारे यहाँ बनाए जाते हैं पूरी पकौड़ी बनाई जाती है, क्योंकि आज कुछ पीला पहना जाता है या पीला प्रसाद के रूप में मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ बनाई जाती हैं पकौड़ियाँ, पकौड़ी पूरी पकौड़ी बनाई जाती है हमारे यहाँ। झाड़ू पोछा मैं कर चुकी हूँ और ये है और इसको मैंने चाय भी पिला दी है, और अब मैं शावर लेने जाऊंगी, देन पूजा करूंगी, उसके बाद पूरी पकौड़ी बनाई जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर दी थी और प्रसाद भी चढ़ा दिया था। तो जय हो माँ शारदे की, और सबका कल्याण हो। पूजा तो मैंने कर दी है और मैंने प्रसाद भी चढ़ा दिया है, और अब हम अब अपने लिए बना रही हूँ। थोड़ा सा बनाऊंगी, ज्यादा नहीं बनाऊंगी। ये देखिए आधी को मैंने पूरा येलो किया हुआ है, देखिए येलो येलो आधी येलो है, और ये आधी भी लगाया मुझ पे टीका है ना, वो भी किसने लगाया आधी ने चुन पूछे पूछे लोटी बना रहे क्या बना रहे हैं लोटी क्या बना रहे हैं बताओ क्या बना रहे हैं लोटी लोटी नहीं पकौड़ी क्या बना रहे हैं पकौड़ी हाँ बताओ क्या बना रहे हैं पकौड़ी बोलो हैं वो करो प्रणाम करो प्रणाम ऐसे बोलो हैप्पी हैप्पी बसंत पंचमी पंचमी हैप्पी बसंत पंचमी। तो यहाँ पे बन रही है गरमा गरम पकौड़ियाँ आलू गोभी की, और ये है पूरियाँ। तो स्वागत है आपका, आ जाइए। अभी हाय का तो आदि ने तो खा दिया है, अब मेरी बारी है। मेरी बारी। अच्छे बने, टेस्टी, अच्छे हो रहे हैं। मतलब खुद के बनाए हुए ना बहुत कम अच्छे होते हैं, पर अच्छे हो रहे हैं। और यहाँ पे जैसे धूप आई तो मैंने तुरंत सारे कपड़े छत में डाल दिए, और देखिए कितने ज्यादा कपड़े हैं, क्योंकि तो 3-4 दिन के बाद धूप आई थी। मम्मी लोगों के यहाँ से आने के बाद मैंने कुछ सूट नहीं किया, अभी कुछ ना इसे नींद सी आ रही थी, थोड़ा सुस्त भी था यार सुबह मॉर्निंग से। तो मैंने सोचा कि मैं इसे सुला देती हूँ, तो मैंने इसे सुलाया, और उसके बाद ही 5-10 मिनट बाद इसकी बॉडी ना एकदम से इतनी गर्म हो गई। ओहो, मैंने कहा से क्या हो गया, फिर कह रहा कि मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, सन बुखार के कारण हो रहा होगा। उसने कहा मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, फिर मैंने ना इसके पाँव दबाए, फिर से थोड़ा रिलैक्स फील हुआ तो ये सोया। तो फिर ना मैं इसके पाँव, फिर मैं जैसे इसके पाँव दबाना छोड़ रही थी तो फिर ये उठ जा रहा था, तो तब मैं इसके पाँव दबाती रही तब ये सोया। ओह कैसा हो रहा था इसे देख के, कह रहा था मम्मी मुझे पेन हो रहा है। तो नहीं नहीं तो फिर मैं इसके पाँव दबाती रही, हाँ नहीं अभी पापा दवाई लाएंगे ना। तो फिर ना मैं इसके पाँव दबाती रही तब ये सोया। तो फिर ये उसके बाद ये आधा घंटा सोया, हाँ फिर मैंने सोचा ये सो रखा है, तो मैंने कहा मैं खाना बनाने की तैयारी कर देती हूँ, ये होता है ना थोड़ा बच्चा चिड़चिड़ा होता है, फिर मैंने कहा इसके पास ही बैठी रहूँगी तो सही रहेगा। तो मैंने और ना अभी ना इन्हें पता नहीं है कि मैं इनके लिए ना पालक के पकौड़े बना रही हूँ, क्योंकि इन्हें पता चलेगा कि अगर मैं इनके लिए पकौड़े बना रही हूँ ना बोलेंगे नहीं मैं नहीं खा रहा ऑयली होते हैं, तो मैं बना रही हूँ सरप्राइज भी होंगे और पकौड़े देख के ना खुश भी होंगे। और माइक इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि इनको पता ना चले, धीरे धीरे बोल रही हूँ तो माइक में तेज आवाज़ आएगी। तो मैं बना रही हूँ इनके लिए पालक के पकौड़े, और साथ में मैंने दाल भी बना रखी है, वो अंकुरित होने के लिए रखे थे चने, अंकुरित होने के लिए रखे थे चने, सोयाबीन, उसकी दाल बनी है, दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये है मैंने मोट चना, सोयाबीन, राजमा को अंकुरित करने के लिए रखा हुआ था, तो ये उसकी दाल है, बहुत ही हेल्थी दाल होती है, ये हेल्थी एंड टेस्टी होती है। और ये है मंडवे का आटा, मंडवे और गेहूं के आटे को मिक्स करके। और यहाँ पे है मैं पालक की पकौड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये लिया है मैंने प्याज, और थोड़ा प्याज मिक्स करूँगी पालक के साथ, क्रंची सा टेस्ट आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं प्याज ऐड करेंगे हम। और ये है
पालक और इसमें मैंने डाल रखा है हरा धनिया भी। तो अब इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद मिलाएंगे इसमें हम जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, चाट मसाला और ये है मेन आपका बेसन। इसके बाद हम इसको अच्छे से हैंड से या चम्मच स्पून से, मैंने हैंड से ही इसको अच्छे से मिक्स किया था, थोड़ा देर रखने के बाद ये इस तरह से आपका बिल्कुल तैयार है। तो गर्मा गर्म और तेल भी गर्म था, तो गर्मा गर्म पकौड़े बनने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी हो रहे थे, क्रिस्पी। हाँ तभी तो मैंने कहा इसके खाई लोगे। कुछ जानी करने वाला, कुछ जानी करना अच्छा नहीं। सच में फर्स्ट टाइम बनाए मैंने, है ना? मस्त हो रहे, मस्त एकदम चकास। कमी है तो एक मिर्च की बस। हरी मिर्च डाल रखी है मैंने, लंबी लंबी भी डाली है। सही है ये भी। आज आदि की तबीयत खराब है तो गर्म नहीं है, पता नहीं कल तो पूरी रात जागरण हुआ था, पाँव दबाए थे उसके पूरे रात। तो फिर स्टे ट्यून्ड पढ़ा नहीं कि डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कई ऐसे हैं जो देख रहे हैं उन्हें पता नहीं है सब्सक्राइब कैसे करते हैं। तो वहाँ पर रेड लिखा होता है सब्सक्राइब, उसको आपको रेड को आपको क्लिक करना है तो वो ब्लैक हो जाएगा, तो इसका मतलब है आपने सब्सक्राइब कर दिया। क्यों यार, बनाते रहिए, सपोर्ट कर रहे हैं, करते रहिए। और जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय माता दी, टेक केयर, मुस्कुराते रहिए और आपका हर पल मंगलमय हो। ये मैंने अंकुरित करने के लिए रखी थी दाल, बहुत ही हेल्थी दाल होती है। और ये मैंने बनाया है काजू का हलवा, बनाया मैंने इनके लिए। और ये मंडवे की रोटी है।